Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Welcome to another vlog. So yes, आज है Saturday. I don't know why, but I am kind of vlogging from weekend to weekend. ऐसा कुछ decided नहीं है anyhow. So बस मैं अभी उठी हूँ and I thought that I'll start this vlog, take you guys along with me through the weekend. Generally on Saturdays we have like kind of half day, but आज fortunately it was a leave and so yes, थोड़ा सा late उठी हूँ, like it's something 9:30 now and अभी उठी हूँ, थोड़ा सा भूख लग रहा है. तो first I'm gonna have my breakfast and after that we're gonna go along with the day. Yes, ये है आज का breakfast, मेरा favorite coffee of course and some butter croissant. So अभी मैं अपना breakfast enjoy करूँगी and आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद. Hey everyone, so yes, कल पता नहीं लास्ट मैंने कहाँ तक क्या शूट किया था, मुझे ध्यान भी नहीं है. उसके बाद पूरे दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया. आज संडे है और शाम हो चुका है और अब फाइनली लाइक आई पिक्ड अप द कैमरा एंड आई वाज लाइक कि चलो मैं शूट कंटिन्यू करती हूँ, व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ बेसिकली. सो यस, अभी शाम हो चुका है और जैसे आप देख सकते हैं मैं बाहर जाने के लिए रेडी हूँ बिकॉज चाय पीने जाना है हमें. काफ़ी टाइम से ऐसा हो गया था कि मैं घर ही में अपने लिए कॉफ़ी चाय जो भी बना लेती थी पी लेती थी. आज थोड़ा सा समय था और हमने सोचा कि चलो हम बाहर जाते हैं, चाय पीते हैं, आपको भी साथ लेके चलते हैं. चलिए चलते हैं. सो ये सबसे पहले हम गए पानी पूरी खाने के लिए, कुछ भी बोलो यार, अंडमान की पानी पूरी की बात ही कुछ और है. उसके बाद ऑफ कोर्स हम गए चाय पीने. सो यस, आई वाज प्रेपिंग अप फॉर टुमारो. टुमारो इज मंडे, सो ऑफ कोर्स आज रात को कुछ कुछ प्रेप अप करना होता है मंडे के लिए. वैसे ही मंडे कॉलेज जाने का मन नहीं होता है, बट एनीवेज आई थॉट कि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ. एक्चुअली ये वाला वाटर बॉटल है ना मेरे फ्रेंड के पास था, लाइक दिस वन, जहाँ पे ऐसे लिखा होता है गुड मॉर्निंग एंड लाइक यू कैन डू दिस, रिमेंबर दिस, कीप ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट. आई थिंक इट काइंड ऑफ ट्रैक्स योर यू नो हाउ मच वाटर यू आर ड्रिंकिंग, इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स यू अगर आपके सामने रखा हुआ हो. तो मेरी एक फ्रेंड के पास था ये ब्लू कलर में एंड आई वॉज लाइक आई जस्ट वॉन्टेड. मैंने उसको बोला कि प्लीज़ 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 गेट मी, आई जस्ट वॉन्टेड एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक अबाउट द कलर एंड दैट्स वेर शी गॉट मी पिंक कलर एंड येस. सो कल ही मैंने उसे वॉश किया एंड आज आई फील डेट आई एम गोना यूज़ इट टुमारो, आई एम गोना टेक इट टू द कॉलेज एज वेल. सो आई जस्ट थॉट दैट वेरी रैंडमली आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइज बिकॉज पानी आप कितना पीते हो एक दिन में उसका ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर थ्रू आउट द डे. क्लासेज होती है बैक टू बैक तो हम भी भूल जाते हैं, बट आई थिंक उसका जो वाटर बॉटल है मुझे काफ़ी यूजफुल लगा, इसलिए आई गॉट दिस. एंड इफ एनी वन वॉन्ट्स टू नो, शी गॉट इट फ्रॉम डी मार्ट एंड इट कॉस्टेड अराउंड 200 rupees. सो येस, नाउ हियर आई एम विथ माई पिंक कलर वाटर बॉटल एंड that was some information that no one asked for anyways. So you know kal hi maine apne lab coat ko bhi wash kiya tha, dekh sakte ho it's super clean today. क्योंकि हफ्ते भर हमारा प्रैक्टिकल होता है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि लैब कोट को वॉश करूँ. सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी था तो मैंने सैटरडे ही इसको धो दिया एंड लाइक टुडे इट्स ऑल रेडी क्लीन फॉर टुमारो एंड नाउ आई नीड टू प्रेप फ्यू मोर थिंग्स, सो आई एम गोना गो राइट नाउ. तो हो गया नेक्स्ट डे और आज था गणेश पूजा. हम अपने आसपास की गली में यू नो ऐसे पंडाल लगे हुए थे तो हमने सोचा चलो जाकर देखते, देखिए कितना ज़्यादा प्रिटी था, काफ़ी अच्छा लगा. सो हमने हमें प्रसाद वगैरह खाए, दर्शन किए, दो पंडाल एक्चुअली हम गए, फर्स्ट वाला है और उसके बाद ये है प्रसाद एंड ये सेकेंड वाला है. यहाँ पर मैंने वीडियो नहीं लिया तो इसलिए मैंने कि मैं ऐड कर लिया है. हाय एवरीवन, सो आप लोगों ने देखा कि हम पंडाल गए थे एंड उसके बाद आई डोंट नो ये व्लॉग कब से ही चल रहा है, बट एनीवेज आई थॉट कि मैंने आप लोगों को गणेश चतुर्थी विश नहीं किया. सो विशिंग यू गाइस अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. आई रियली होप कि आप लोगों ने बहुत सारा मोदक खाया हो और बहुत सारा इन्जॉय भी किया हो. मैंने इस साल मोदक को बहुत मिस किया, घर को बहुत मिस किया बेसिकली. बट मैंने सोच रही थी कि पता नहीं कैसे मैंने आज तक आपको इनसे नहीं मिलाया, ये मेरे रूम का एक बहुत अहम हिस्सा है. सो येस, मीट माई गन्नू हु लिव्स विथ हियर, ही इज़ सो क्यूट. सो येस, आज से बेटर कोई दिन नहीं हो सकता इसे मेरे चैनल में इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट काफ़ी टाइम से मेरे साथ. एक्चुअली मेरी दीदी को किसी ने गिफ्ट किया था सो आई गॉट इट एंड येस, सो या दैट्स ऑल अबाउट इट. एनी वेज, तो अभी मैं फ्रेशन अप होंगी एंड उसके बाद कल की तैयारी करना है, कल कॉलेज है. सो चलिए करते हैं कल की तैयारी. ओके, सो मैं हो गई हूँ फ्रेशन अप. तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों के साथ मेरा स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. बहुत दिन हो गया है कि हमने स्किन केयर के बारे में कुछ शेयर नहीं किया है. एक्चुअली ये कोई रूटीन नहीं है जो मैं लाइक
मे बी कॉन्स्टेंटली नहीं फॉलो कर रही हूँ ऑनेस्टली इसको, लाइक अप एंड डाउन आई एम डूइंग इट. बहुत पहले मैंने ये सब कुछ परचेज किया था, मैंने शेयर ना बिट. सबसे पहले तो आज मैंने बहुत हल्का सा मेकअप लगाया था जैसे आपने अभी देखा. तो द फर्स्ट थिंग आई यूज इज दिस फेस क्लेंजर विच आई एम यूजिंग आजकल, लैक्मे का एब्सोल्यूट वाला है एंड इट्स अमेजिंग. लाइक आई एब्सोल्यूटली लव इट. इट क्लेंजेज योर फेस परफेक्टली एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन देन यू आर गोना डेफिनेटली डेफिनेटली लव इट. सो मैंने भी इसको लाइक 1 week हो गया ऑलमोस्ट इसे यूज़ करते करते, आई एम जस्ट लविंग इट. सो इससे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है प्रॉपरली एंड उसके बाद जो आज मैं यूज़ करूँगी दैट इज़ दिस चिया सेट बाई फेस शॉप. अगर आपको याद है मैंने अपने पुराने व्लॉग में शेयर किया था व्हेन आई परचेज इट. बाई द वे ऑल द प्रोडक्ट्स आर परचेज, नथिंग इज स्पॉन्सर्ड इन टूडेज वीडियो. आई विश इट वॉज, बट एनी वेज. सो ये हाइड्रेटिंग ट्रायो किट है जो मैंने बहुत पहले खरीदा था एंड उसके बाद आई यूज इट, देन आई स्टॉप्ड यूजिंग इट फॉर वट एवर रीजन. इट्स अमेजिंग बाय द वे. बट आज मैंने सोचा कि चलो रीस्टार्ट करती हूँ, आपके साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ. तो इसमें बेसिकली ये 3 चीज़ें आती है. द फर्स्ट वन इज टोनर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. येस, दिस इज अ चिया सीड हाइड्रो टोनर. दिस वन बहुत मिनी है बट आई थिंक अगर आप ट्राई करना चाहो तो उसके लिए यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दीज. उसके बाद है हाइड्रो लोशन, चिया सीड हाइड्रो लोशन दिस वन. एंड द लास्ट वन एंड मैजिक क्रीम आई वुड से इज दिस चिया सीड एडवांस्ड हाइड्रेटिंग क्रीम. सो एज द नेम सेज ये सब कुछ चिया सीड से है एंड बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग. अगर आप ड्राई स्किन हो तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ टोनर एंड बाय द वे आई थिंक आप इसे मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर दोनों में डाल सकते हो. मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब कर लेती हूँ. थोड़ा सा टोनर हाथ में लेके, आप कॉटन पैड में लेके कर सकते हो बट आई थिंक आई लाइक दिस. जब स्किन थोड़ा बहुत डैम्प हो जैसा मेरा भी था, यू जस्ट नीड टू प्रेस इट. इट स्मेल्स अमेजिंग. जस्ट नीड टू प्रेस इट इन. ऑलरेडी फीलिंग सो रिफ्रेशिंग. एंड इसके बाद चिया सीड एडवांस्ड हाइड्रो लोशन दिस वन, इसको थोड़ा सा लेना है. It's a very thick, by the way, so be careful. थोड़ा सा, इतना सा, just pea size में भी. उसके बाद इसे अच्छे से लगा देना है. My God, it smells so good. ये लगाने के बाद मैं थोड़ी देर इसे अपने स्किन में लाइक सोक इन करने के लिए छोड़ देती हूँ. तो I'm gonna wait for some time. काफ़ी टाइम हो गया अच्छे से मेरे स्किन ने सोक इन कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं फील हो रहा है. सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस क्रीम. वरना कुछ क्रीम्स होते हैं ना जो चिपचिपा फील होते हैं, मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद. नाउ अप्लाइंग द लास्ट एंड जो मेरे हिसाब से मैजिक क्रीम है इन तीनों में से, दैट इज़ दिस लिटिल बॉटल आइट हियर. दिस इज़ द सी चिया एडवांस्ड क्रीम. तो इसे अब मैं अप्लाई करूँगी. मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा अप्लाई करती हूँ, ज़्यादा आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है. बहुत लाइट वेट है देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, जस्ट लिटिल बिट. एंड मेक श्योर कि आप जो भी लगा रहे हो उसे आप अपने नेक में भी लेके जा रहे हो. एंड इसके बाद नेक्स्ट डे जब आप उठोगे ना, आपका स्किन एकदम सॉफ्ट सा फील होगा. आई लव दैट. सो यस, दैट्स ऑल अबाउट इट. द 3 स्टेप स्किन केयर, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो आज मैंने किया. दिस इज़ नॉट जस्ट वॉट आई डू. आई थिंक बहुत बार मेरा स्किन केयर कुछ और होता है. और अगर आप डिटेल में, इफ़ यू वॉन्ट लाइक माई होल वीक का स्किन केयर, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आई एल बी मोर देन हैप्पी टू शूट इट फॉर यू गाइज. एंड राइट नाउ आई एम गोना गो टू बेड एंड कैच यू गाइज लेटर. सो आप लोगों को पता ही है कि मुझे कितना ज़्यादा मन था मोदक खाने के लिए और शिवश्री ने अपने घर से लाया, मतलब आंटी ने भेजा है. सो आई डोंट नो आंटी ये व्लॉग देखेगी कि नहीं, बट आंटी थैंक यू सो मच. और अभी हम पाला वाला खाएगी. बहुत अच्छा, थैंक यू, अमेजिंग, थैंक यू आंटी. सो यस, इसी नोट में आज का वीडियो को मैं एंड करती हूँ. पता नहीं कितने ही दिनों से ब्लॉग चल रहा था. एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.